देखिए कितना टेस्ट एरिया में सब चीज़ें बना है, देख सकते हैं आप। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मछली देख सकते हैं पूरा जिंदा है, तो आज हम बनाएंगे इसे, देख सकते हैं कितना फ्रेश फ्रेश मछली है। तो आज हम इसे बनाएंगे, तो साफ करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेरा मछली कट के रेडी हो गया है। ये देखिए देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं पकने के बाद कैसा लग गया। और ये लगा है मेरा, मैंने जो खुद लगाई थी प्याज का पेड़ बोतल में, वो करके आपको मैं एक दिन दिखाऊंगी। साथ में तो प्याज ऐड कर दूंगी। और ये देखिए हरी मिर्च एक बाटी है, क्योंकि हम बहुत झाल खाते हैं इसीलिए हम एक बाटी मोल लिए हैं। अब इसको मैं इसमें सोची थी मैंने थोड़ा सा आलू मिक्स कर दूँ, पर नहीं मिक्स कर सकेंगे क्योंकि पिताजी को ना डायबिटीज है। तो मैं इसे पीस लूंगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है आगे। तो सबसे पहले मैं हम इसे फिर से एक बार धो लेंगे। देखिए कितना फ्रेश है। कम कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तेल गर्म होते होते हम मछली को कर लेंगे, हल्दी तेल से माख लेंगे, हल्दी में डाल दी है और डाल देंगे नमक, तो अच्छे से मिला लेंगे अभी। देख सकते हैं पीसेस भी हमने बड़े बड़े किए हैं, ताकि जो भी खाए अच्छे से खाए, सेटिस्फाई हो जाए खाके। तो तेल भी हो गया है गरम, अब हम करेंगे उसमें डाल देंगे एक एक मछलियाँ। अब मैं फटाफट से ग्राइंडर में जो मर्चा है पीस लूंगी, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा रांधनी होस, इसे हम कहते हैं रांधनी होस। ये डालने से एक अलग ही तरह का स्मेल आता है, ऑसम सा स्मेल आता है। तो मैं फटाफट पीस देती हूँ ग्राइंडर में, वरना लाइट चला दूँ। हाँ आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है रेडी है। अब मैं इसे काट लूँगी हल्की हल्की। यहाँ मछली जो है हो रहा है, तो मैं अब ये जो फ्रेश फ्रेश प्याज के पत्ते हैं अब मैं इसे काट लूँगी अच्छे से कुची कुची करके। साथ में मेरा बेटा भी खड़ा है, इसके पापा की गोद में है, और मैं प्याज हाँ पुलिस आई से हाँ। तो यहाँ काट लिया है मैंने धनिया कहती हूँ प्याज के पत्ते, और मछली भी ऑलमोस्ट होने वाला है, दिखाती हूँ मैं। इनमें हल्के हल्के फ्राई किए हैं, ओ कहाँ चला गया, आके गिर गया है नीचे। मैंने डाल दिए है मछली के माथा और ये मछली के पूंछ, देख सकते हैं आप। ओ कह रहे हैं ओ ओ ओ ओ। तो फ्रेंड्स अभी मिर्ची की पेस्ट में मिला दूंगी अब एक चम्मच हल्दी, फिर एक चम्मच मिर्ची पाउडर, फिर एक चम्मच जो है ना धनिया पाउडर, और फिर जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था इसीलिए अभी से वो करने। मछली देखिए मछली जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसके बाद फ्राई हो जाने के बाद बच्चों की ये तीन मछली जो है ना मैंने बच्चों के लिए बैग दिए हैं,
इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, तो लाइट जो है चला गया है, तो मैं अंधेरे में ये देखिए फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए चारों ओर अंधेरा है, लाइट जो नहीं है चला गया है। फोटो जो है नहीं सो रहा है, तो इसको लेके हम जो है ना खाना बना रहे हैं। इधर दिखाओ तो दूर से। ये देखिए मछली जो है ना बच्चों के लिए फ्राई हो रहा है। इसे हम और थोड़ा लाल जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम कुक करेंगे। और हमारा छोटू जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आज बंद कर दो। तो यहाँ हमारा बच्चों का मछली जो है ना, ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, वो भी पूरा लाल लाल। तो हम इसे निकाल लेते हैं। पहले तीन बच्चे हैं, वो तो झाल वाला मछली नहीं खाएंगे, इसीलिए उसे फ्राई वाला देंगे। ये देखिए अब तेल जो है ऑलमोस्ट गरम है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही गरम है। डाल देंगे प्याज। तो अच्छे से फ्राई कर ले पहले तेल में, लाइक बिफोर। प्याज जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम ये डाल देंगे मिर्ची का जो पेस्ट है, और मसाला मैंने सारा ऐड कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो डालना है हम डाल लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, और करंट जो है ना फिर से चला गया है। तो अभी फिर से मुझे ऐसे ही बनाना कुक करना पड़ेगा। तो ये मसाला फ्राई होने के बाद हम डाल देंगे नमक अपने आपके स्वाद अनुसार। तो मसाला भी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आपके सब्जी जितनी होंगे, आज तो मैंने इसमें कोई सब्जी ऐड नहीं करना है, बस इसे मैं खाली प्याज की पत्तियां से बना रही हूँ आज। तो ये जब तक उबाल नहीं आएंगे तब तक हम मछली नहीं डालेंगे। तो इससे हम उबाल आने के बाद आपको दिखाते हैं। अब देखिए सब्जी में जो है ना अच्छे से उबाल आ गया है, सब्जी ने आई मीन झोल में। तो अब मैं डाल दूंगी ये मछलियाँ एक एक करके, देखते जाइए। सबसे पहले डालती हूँ माथा, आई मीन सर मछली का। एक एक करके मैंने सब डाल दिए हैं सारे। अब इसे मैं फिर से ढक दूंगी उबाल आने के बाद, उबाल आने के लिए। सब चीज़ जो है अब अच्छे से उबाल आई है, अब मैं ये डाल दूंगी प्याज के पत्ते। अब इस पे हम डाल देंगे धनिया पत्ता, छिड़क देंगे ऊपर से। ये देखिए बनकर जो है मेरा सब्जी रेडी हो गया है, एकदम टेस्टी वाला सब्जी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा कोमल कट मछली, इसे हम गोल्डन फिश मछली भी कहते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा डिनर रेडी है, आप देख सकते हैं। ये सादा भात, ये मछली की सब्जी, और ये आलू भजी, फ्राई फिश एंड ऑनियन लिप्स। तो अब मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।